जहिंद एवरीवन माय नेम इज़ आरन भदौरिया एंड आई एम योर मैथ टीचर एट डिफेंस उस्ताद तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में एक बार बता देता हूँ जिन लोगों को भी नहीं पता कि आई हैव क्लियर यूपीएससी सीडीएस एग्जाम फोर फाइव टाइम एंड एव कैट फॉर सिक्स टाइम्स और सी का पेपर जितनी बार भी मैंने निकाला है हर बार के लिए निकाला ठीक है आप लोगों को पता होगा एफ ए का कट ऑफ जो है वो बाकी तीन बाकी तीनों अकेडमी से जाना जाता है आई एम ए आई एन ए टी सब से मैंने जितनी भी बार ये पेपर निकाला है हार एफ ए के लिए निकाला मैंने और भी एग्जाम्स निकाले हैं जैसे मैंने एसएससी का सीजीएल एग्जाम निकाला है सीएचएसएल सीपीओ और इन तीनों ही एग्जाम में मेरे हर बार फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टीन मैथ्स एग्जाम रहे हैं। मैंने आई का जो आपका पेपर हुआ था अभी उसका भी मैंने टीयर वन एंड टीयर टू क्लियर कर लिया अब इसका जो थर्ड फेज है यानी कि इंटरव्यू है वो शेड्यूल्ड है जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम निकाला हुआ है जो आपका एसी वाला एग्जाम होता है और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम भी मैंने टू टाइम्स क्लियर किया है और मैं एस एस सी सी जी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से एज अ पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ बट मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि uh, मैं अभी और भी जो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए आगे प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ये था बेसिकली एक मेरे बारे में तो मेरे को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जिनमें भी आपकी कॉम्पिटेटिव मैथ्स आती है क्योंकि इन सारे ही एग्ज़ाम्स में चीज़ें अलग अलग चीज़ें डिमांड करती हैं और मैंने इन सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है तो इस वजह से मेरे को पता है कि भाई एग्ज़ाम क्लियर कैसे किए जाते हैं ठीक है अच्छा अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भाई कि व्हाट शुड बी एन आइडियल स्ट्रेटजी के भाई ये एक आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस बंदे के लिए जो कि फ्रेशर है अगेन मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेडली फ्रेशर्स के लिए है फ्रेशर्स कौन फ्रेशर्स एस वाले फ्रेशर्स नहीं फ्रेशर्स वो जो कि अपनी फाइनल ईयर में है और बेसिकली जो लोग ये सी का पेपर फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे करेंगे तो ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के बारे में रहने वाला है कि भाई उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने इस एग्जाम के लिए जैसे कि आप लोग को पता होगा आपका अभी आपके पास लगभग सिक्स टू सेवन मंथ्स है आपके अगले वाले एग्जाम के लिए क्योंकि अप्रैल एप, में एग्जाम आपका शेड्यूल्ड है तो लगभग छह से सात महीने आपके पास है और ये बहुत ही बढ़िया टाइम है कि जिसमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथली तरीके से लेके जा सकते हैं अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे तो ठीक है ये छह से सात महीने हमारे पास हैं तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि भाई हम अपनी जो हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार रखें कि जिससे आने वाला जो टाइम है हमारा एग्जाम है उसको हम इजीली क्रैक कर पाए वैसे स्ट्रेटजी हर किसी के लिए अप्रोक्सीमेट सेम ही होती है बट बंदे का लेवल अलग अलग, अलग अलग होता है तो इस वजह से मैं अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ये वीडियो हमारे फ्रेशर्स के लिए है। इसके बाद आपका रिपीटर्स का भी वीडियो आ जाएगा कि भाई उनको किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए ठीक है तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए अगर अपन लोग स्टार्ट करें बेसिकली सबसे पहले सबसे पहले स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ें आप स्ट्रेटजी के पहले आती हैं कि भाई इन चीज़ों का हमें नॉलेज पहले से ही होना चाहिए सबसे पहले आप क्या करें सबसे पहले आप उठाएं सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की नोटिफिकेशन आप ये समझ लीजिए कि भाई ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये एक तरीके से प्री रिक्विजिट है एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी सबसे पहले आप उठाइए सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की नोटिफिकेशन

ठीक है तो ये दोनों चीजें आपको भाई खुद से पता लगानी है अगेन मैं यहाँ पे बता सकता हूँ भाई के भाई एज लिमिट क्या है एलिजिबिलिटी क्या है ये सारी चीजें मैं बता सकता हूँ बट स्पून फीड करने का हमारा यहाँ पर डिफेंस उस्ताद में कभी से भी मकसद नहीं रहा है तो ये सारी चीजें आप खुद पता लगाएंगे तो इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी और आपको किसी भी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप में पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है मेरे को बताओ कि मेरे कितने अटैम्प्ट बचे ठीक है तो ये चीजें आप करिए प्लस इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई दूसरी चीज़ आप क्या चाहिए आप यू पी एस सी ऑफिशियल साइट पर जाइए जो कि यू पी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन है आप इस साइट पर जाइए और आप क्या कीजिए पिछले दो साल के पेपर डाउनलोड कीजिए दो साल के आप पेपर डाउनलोड कीजिए और इन पेपर डाउनलोड करने के बाद इन पेपर डाउनलोड करने के बाद क्या करिए आप इनको अटैम्प्ट करिए आप इनको क्या करिए अटैम्प्ट करिए अरे आप लोग अभी आप लोग सोचोगे कि यार अभी तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की थी और ये बंदा पेपर अटेंट करने को बोल रहा है बट जस्ट आप एक बार मेरी बात ब्लाइंडली मान के एक बार इन पेपर को अटैप्ट करिए ठीक है थीका? आप इसमें देखिए सीडीएस टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का जो पेपर हुआ है और हमारा जो सीडीएस वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का पेपर हुआ आप इन दोनों पेपर को उठाइए और इन दोनों को ब्लाइंडली तरीके से अटैम्प्ट करिए ठीक है अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग अपना स्कोर देखिए मेरे को यहां पर डेफिनेटली पता है कि कोई भी बंदा जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी आ रहा है चाहे उसने टेन तक मैथ्स पढ़ी हो चाहे उसने ट्वेल्थ तक मैथ्स हो वो आराम से इसमें से दस से बारह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे ठीक है आप इस पेपर को अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपने पांच क्वेश्चन सही किए आपने छह किए आपने सात किए आपने दस किए बारह किए इन सबको अपने दिमाग में रखिए कि भाई आपने ये जो सवाल है ये सवाल आपने सॉल्व किए ठीक है इतनी चीज करने के बाद अब आप लोग आइए स्ट्रेटजी के ऊपर भाई अब आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो अभी अपन लोग डिस्कस करते हैं भाई यहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी भाई कि एग्जाम को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है अपनी प्रिपरेशन को किस वे में लेके जाना है ठीक है देखो अब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें चाहे वो इंग्लिश हो जीएस हो रीजनिंग हो मैथ्स हो कोई भी सब्जेक्ट हो स्ट्रेटजी बेसिकली हर सब्जेक्ट की एक सेम ही रहती है और वो हमारी तीन पार्ट में डिवाइड होती है सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है भाई सिलेबस ये सबसे पहले तो भाई आपको सिलेबस कंप्लीट करना है सिलेबस कंप्लीट करना है ये हो गया आपका पहला स्टेज मैं पहले आपको स्ट्रेटजी को कुछ स्टेज में बता रहा हूँ फिर मैं आपको टाइम को भी कुछ स्टेज में बताऊंगा जिससे आपको ईजीली अप्रोच कर पाओगे आप अपने इस टाइम पीरियड को ठीक है सबसे पहले हो गया भाई सिलेबस के भाई आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अब ये आप भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो चाहे आप किसी बंदे के बैच के थ्रू कर सकते हो मैं दोनों के ही आपको एडवांटेज डिस सारी चीज़ें बताऊँ सिलेबस तो कम्प्लीट हो गया प्लस दूसरी चीज़ आपकी आती है प्रैक्टिस और अगर आप उन कोई भी पेपर की बात करें चाहे वो एस एस सी हो सी डी एस हो कोई भी हो प्लस इसमें आती है पी वाई क्यू उसकी प्रैक्टिस या फिर कमांड ठीक है तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है आपका भाई रिविजन और इसी में अगर लोग आप ऐड करो तो जो आपकी चौथी स्टेज हो जाती है वो हो जाती है मॉक्स मॉक्स प्लस प्लस रिवीजन रिवीजन क्या होती है चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे जीएस हो चाहे रीजनिंग हो ये चार चीजों में आपकी हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होती है ठीक है अभी अपन एक एक स्टेज को भाई डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से हमको प्रिपेयर कर ठीक है सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं भाई सिलेबस सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं सिलेबस की तो सबसे पहले आपको मैथ्स का सिलेबस पता होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए वैसे मैं सिलेबस की एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक्स वगैरह वो सब आपको बताऊंगा बट बत मैं एक ओवरव्यू यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ कि हमारा जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होती है एरेथमेटिक मैथ और एक होती है हमारी एडवांस एक हो गई एरेथमेटिक मैथ्स और एक हो गई एडवांस ठीक है अगर हम लोग इसके रेशो की बात करें कि भाई किस रेशो में एग्जाम में आते हैं तो एरेथमेटिक अप्रोक्सीमेट थर्टी परसेंट आपका एग्जाम का सिलेबस होता है और एडवांस मैथ्स आपकी सेवेंटी परसेंट जो है वो एग्जाम का पार्ट होता है तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई एरेटिक और एडवांस में कितना डिफरेंस है ठीक है और अगर, अगर अपन लोग बात करें तो आप लोग ये सोचोगे कि सर हम लोग एरेथमेटिक मैथ्स को छोड़ ही देते हैं सिर्फ एडवांस एडवांस करके चले जाते हैं बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरथेमेटिक की बहुत सी चीजें एडवांस में आएंगी एडवांस की बहुत सी चीजें एर्थमेटिक में आएगी क्योंकि ये मैथमेटिक्स है कोई जीएस वगैरह नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया एक छोड़ दिया ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होंगी जैसे अगर मैं एरे के चैप्टर्स की बात करूं तो आपके एरेमेटिक्स में कुछ जो कैलकुलेशन वाले चैप्टर होते हैं जो बेसिक चैप्टर होते हैं वो आते हैं जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया रेशो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ठीक है आपका एवरेज हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका मिक्सचर हो गया आपका एलिएशन हो गया आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया आपका टाइम एंड वर्क हो गया तो ये बेसिकली ये जो इस टाइप के चैप्टर्स हैं ये आपके एरेथमेटिक मैथ्स में आते हैं अगर अपन लोग एडवांस मैथ्स की बात करें तो एडवांस हैं अच्छा इसमें एक आप नंबर सिस्टम और जोड़ लीजिए तो भाई एक नंबर सिस्टम हो गया अच्छा अब अगर अपन लोग बात करें एडवांस की एडवांस मैथ्स में आपके जो चैप्टर आते हैं वो बेसिकली आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्री हो गया ठीक है एलजेब्रा हो गया आपका ज्योमेट्री हो गया आपका मैं हो गया है और नंबर सिस्टम वैसे मैंने एर्थमेटिक में ऐड किया है बट हम लोग यहाँ पर इसको एडवांस मैथ्स में मैं अपने बैच में कराता हूँ तो एक बार मैं इसको यहां भी लिखता हूँ एक हमारा नंबर सिस्टम ठीक है तो भाई आप लोग देखो सिर्फ ये पांच चैप्टर आपके एडवांस मैथ्स में है और इन पांच चैप्टर से अप्रोक्सिमेट सत्तर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इन पांचों चैप्टर की वैल्यू जो है वो समझ सकते हो ठीक है तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो पांच चैप्टर ही है पांच चैप्टर को पढ़ने में तो हमें बेसिकली एक डेढ़ महीना लगना चाहिए तो इतना टाइम क्यों लगता है हमें मैथ्स में पेयर करने में तो इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी आते हैं जैसे आपका मेन्दुरेशन टू डी हो गया थ्री हो गया ये सारी चीजें इसमें आती है ज्योमेट्री में आपके बहुत से पार्ट हो गए आपके पॉइंट हो गया लाइंस एंड एंगल्स हो गया ट्राइंगल हो गया सर्कल हो गया ये सब आप लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में एल्जेब्रा में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल हो गया ये सारी चीजें एल्जेब्रा में आ जाती हैं ट्रिग्नोमा ट्रिग्नोमेट्री में आपके मैक्सिम मिनिमा हो गया हाइट एंड डिस्टेंस हो गया तो ये बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स इन चैप्टर्स के अंदर होते हैं ठीक है तो हमें इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है कि भाई हमारा मेन फोकस जो है वो एडवांस मैथ्स पर रहे बट ये एर्थमेटिक जो पार्ट है ये काफी ईजी पार्ट है इन सारे चैप्टर को पढ़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है मोस्टली आपके दो से तीन दिन में आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है ठीक है और इन चैप्टर हर चैप्टर में से लगभग एक से दो क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ठीक है और ये जो दो चैप्टर है परसेंटेज हो गया और रेशो हो गया ये एक तरीके से आप ये मान सकते हैं आपके पूरे मैथमेटिक्स या पूरे एरेथमेटिक की जो है वो बैकबोन है अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे तो ही आप एडवांस के भी चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे अपनी अरिथमेटिक के भी चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि कोई भी सवाल आप पढ़ रहे हैं उसमें परसेंटेज का रेशो का यूज थोड़ा बहुत हर जगह होता ही ठीक है तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है कि भाई आप दोनों ही चीज़ें साइमटेनियसली मैनेज करके चलें ठीक है क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पढ़ेंगे मान लो अपने अरिथमेट मत लो अपने एडवांस का चैप्टर उठाया ट्रिग्नोमेट्री अब ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने में आपको अप्रोसीमेट दस से पंद्रह दिन लगेंगे और दस से पंद्रह दिन आपने ट्रिग्नोमेट्री को कम्प्लीट किया उसके बाद आपने डायरेक्ट जम्प कर दिया एल्जेब्रा में तो इसको एल्जेब्रा को भी करने में आपको बीस से पच्चीस दिन लगेंगे ठीक है तो इस तरीके से हमें अपने चीज़ों को लेकर नहीं चलना है कि आप बोर ही हो जाओ यार दो चैप्टर को करने में मेरे को डेढ़ महीने से ज्यादा हो गया ठीक है तो इससे तो आप बोर हो जाओगे तो हम लोग अपने बैच में किस तरीके से कराते हैं हम लोग सबसे पहले कोई एरेमेटिक का चैप्टर करेंगे हम लोग परसेंटेज रेशियो से चालू करते हैं तो एरेथमेटिक का हमने चैप्टर किया जैसे मान लो एरेथेमेटिक के दो चैप्टर कर लिए फिर हमने बीच में एक चैप्टर एडवांस का डाल लिया कोई बड़ा सा टॉपिक कर लिया फिर हमने अरिथमेटिक के दो तीन टॉपिक कर लिए फिर हमने एक एडवांस का टॉपिक कर लिया तो इस तरीके से क्या हम लोग बोर नहीं होते हैं भाई ठीक है तो सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया फिर आपको क्या करना है अब आपको करना है खुद का एनालिसिस खुद का एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है आपको करना है खुद का एनालिसिस खुद के एनालिसिस से मेरा मतलब है कि भाई अब आपको उठाने हैं तीन से चार साल के पेपर और भाई आपको देखना है कि भाई ट्रेंड क्या है ट्रेंड से मेरा मतलब है आपको सारे चैप्टर्स लिखने जैसे आपने सारे चैप्टर्स लिखे नंबर वन ट्रिग्नो ट्रिग्नो के भाई 2024 के पहले पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे आपने लिखा भाई पच्चीस आए थे फिर आपने देखा टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में कितने आए थे आपने देखा था सत्ताईस आए थे अब इस हिसाब से आप लोग अपने आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किन चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है ठीक है तो ये सारी चीजें आपकी आती है सिलेबस वाले पार्ट में सबसे पहले आप क्या करेंगे सिलेबस अपना लिखेंगे उसको अच्छे से आउटलाइन करेंगे एक बार ट्रेंड पहचानेंगे फिर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि भाई मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है ठीक है अच्छा अभी अपन लोग आ जाते हैं सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है जैसे मान लो आपने उठाया परसेंटेज आपने क्या उठाया परसेंटेज उठाया सबसे पहले अब आपको परसेंटेज वाले पार्ट में क्या करना है जैसे चलो मान लो आप लोग अगर सेल्फ स्टडी और बैच में दोनों का बताता हूँ सेल्फ स्टडी और बैच ठीक है भाई इन दोनों के ही मैं बताता हूँ कि आप लोग अगर मान लो प्रिपेयर करते हो तो आप कैसे करो सबसे पहले आ जाओ परसेंटेज पे ठीक है अच्छा अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप देखो सेल्फ स्टडी किन किन तरीकों से हो सकती है सबसे पहले तो आप लोग ये कर सकते हो कि भाई आपने आर एस अग्रवाल की बुक, बुक उठाई और आर एस अग्रवाल या आपने पाथ फाइंडर उठाया पाथ फाइंडर को वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता हूं बट ये एक बहुत ही पॉपुलर बुक है सीडीएस के लिए तो इस वजह से मैंने जस्ट इसको यहाँ पर मेंशन किया ठीक है आपने उठाया आर एस अग्रवाल या पाथ फाइंडर आपने उसमें से पढ़ा परसेंटेज आपने रीडिंग लगानी चालू की भाई परसेंटेज की मान लो परसेंटेज आपको करने कर मतलब परसेंटेज अगर आप बुक से करोगे कोई भी बुक से करोगे तो आपको बेसिकली मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको यहाँ पर छह से सात दिन का टाइम तो सिर्फ वो बुक कंप्लीट करने में ही लग जाएगा मतलब सिर्फ बेसिक्स जानने की मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ बेसिक्स जानने से और जिससे आप सिर्फ बेसिक सवाल सॉल्व कर पाओगे तो आर एस अग्रवाल प्लस पाथ और इसके साथ आपको टाइम भी लगेगा टाइम टेकिंग भी है जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ये हो गया ठीक है ये हो गया आपका फर्स्ट मैथड दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो भाई कि आप यूट्यूब पे जाओगे यूट्यूब पे यूट्यूब पे आप कोई टीचर सर्च मारोगे कि भाई मान लो मैंने एक्स वाइज एड कोई टीचर को सर्च मारा और आप इसके वीडियो देखने लगे अब जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो भाई इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं इसके क्या डीमेरिट्स हैं सबसे पहला डिमेरिट क्या है कि भाई ये चैप्टर जो है मतलब ये जो टीचर है वो डेडिकेटेडली आपका सी डी एस के लिए नहीं होगा क्या होगा या तो वो कोई एस एस सी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रहा होगा कैट एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा होगा और भी फलाना डिमका एग्जाम्स के लिए वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हो ठीक है प्लस आपको कोई भी चीज यूट्यूब में सिस्टमैटिक नहीं मिलेगी सिस्टमैटिक नहीं मिलेगी और थर्ड चीज आ गई भाई गईवेंट कट जो आपके काम के ही नहीं है क्वेश्चन जो बहुत ईजी है या बहुत टफ है जो आपके काम के ही नहीं है वो क्वेश्चन आप पढ़ने लगोगे यहाँ पर तो ये हो गया यूट्यूब का डिसएडवांटेज बट आपने मान लो यहाँ से आपने कंप्लीट कर भी लिया आपको यहाँ पे कंप्लीट करने से दो से तीन दिन लगेंगे परसेंटेज में तो इससे आपका क्या होगा जब आप पेपर अटैम्प्ट करोगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा क्योंकि यूट्यूब पर जितना मैंने देखा है कि कोई भी प्रीवियस ईयर को साथ में लेके अपने चैप्टर्स को नहीं करवाता ठीक है, है ना वो सीडीएस के लिए कोई डेडिकेटेड नहीं ऐसे पढ़ाने वाला बंदा मेरे को मिला है ठीक तो ये चीजें आपको यूट्यूब से जो है वो ये यूट्यूब का डायरेक्ट डीमेरिट है ठीक है तो ये तो हो गई भाई सेल्फ स्टडी वाली बात कि भाई सेल्फ स्टडी से आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो जैसे आपका परसेंटेज प्रिपेयर हुआ तो ये ये चीजें होंगी कि भाई आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे और फिर उसको करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आएंगी अब मैं आ जाता हूँ बैच में कि भाई बैच में हम चैप्टर को किस तरीके से करवाते हैं ठीक है सबसे पहले सबसे पहले हम लोग बैच में किस तरीके से स्टार्ट करते हैं बैच में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया सबसे पहले तो एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने बेसिक से स्टार्ट परसेंटेज कि होता क्या है कैसे क्या होता है प्लस हम लोग एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं इजी क्वेश्चन हम लोग पहले यहाँ पर करेंगे ईजी क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं टाइप वाइज होते हैं क्योंकि हर चैप्टर के कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं अगर आप लोग परसेंटेज की बात करें तो डिसऑनर्ट शॉपकीपर ये हमारा एक परसेंटेज का टाइप हो गया ठीक है प्लस हमारा जो जो राइस और ये वाले जो सवाल होते हैं कि भाई इतना ज्यादा लेके आया तो बताओ कंजम्पन कितना कम करें परसेंटेज एक्सपेंडिचर वाले सवाल इनकम वाले सवाल इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स ये वाले जो सवाल हो गए ये टाइप वाइज सवाल करवाते हैं प्लस क्या होता है लेवल वाइज भी होते हैं कि भाई हम लोग बेसिक से तो उठाते हैं बट बेसिक से उठाने के बाद हम लोग डायरेक्ट आपको एग्जाम लेवल पे जाके पटकते हैं कि भाई एग्जाम लेवल पे आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे ठीक है अच्छा ये तो चलो फिर भी आप लोग मैनेज कर सकते हो बट मैं एक चीज आपको बताऊं जो आपको बैच में क्या फायदा मिलेगा ट्रिक्स बैचेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई चीजों को कैसे इजी तरीके से सिम्पलीफाई करते हैं क्वेश्चन करना अलग चीज होती है क्वेश्चन कम टाइम में करना अलग चीज होती है तो इसमें आपका क्या काम आएगा ट्रिक से इस्तेमाल करना ठीक है प्लस आपका ऑप्शन का यूज करना कि भाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कि भाई ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं प्लस तीसरी आ गई आपकी कैलकुलेशन ठीक है ये जो तीनों चीजें हैं ये बैच में मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा बट जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो इन तीनों चीजों पे आपका साइमटेनियसली काम करते जाते हैं ठीक है तो ये तीनों चीजें हो गई जिनपे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे कि भाई ट्रिक्स कैसे करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं और बिलीव मी गाइस एग्जाम में जाते समय आपको चार चीजों की जरूरत होती है सबसे पहले तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए कि भाई आपके बेसिक्स स्ट्रांग है प्लस आपको ट्रिक्स वगैरह आती है प्लस आपकी कैलकुलेशन अच्छी है एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आपके बेसिक्स स्ट्रोंग होने चाहिए आपको ट्रिक्स वगैरह आनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होनी चाहिए ठीक है प्लस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए जब आप ये चारों चीजें मास्टर करोगे तब जाके आप पेपर में क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे अगर इनमें से एक चीज भी आपकी कम रह गई तो आपको बिलीव मी गाइस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंपैरेटिव टू वो वाला बंदा जो इन चारों चीजों पे अपने काम करके आए ठीक है तो हम लोग बैच में कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं ठीक है प्लस हम लोग क्या करते हैं हमारी जो क्लासरूम शीट होती है हमारी जो क्लासरूम शीट होती है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि भाई इसमें जो क्वेश्चंस होते, है, होते, है, होते हैं वो हमारे लेवल वाइज होते हैं एंड टाइप वाइज होते हैं एंड टाइप वाइज होते हैं कि भाई पहले इजी क्वेश्चंस फिर एक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसके इजी क्वेश्चंस उसके हार्ड क्वेश्चंस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है और क्लासरूम शीट में बिलीव मी गाइस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम जो करते हैं अप्रोसीमेटली एट्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चंस ये हमारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो मैं इसमें बिलीव नहीं रखता कि भाई मैं किसी और एग्जाम का आपको पढ़ाऊंगा मैं सीडीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं सीडीएस के लिए ही आपको पढ़ाऊंगा ठीक है अब बहुत से बंदे मेरे से बोलते हैं कि क्या सर इससे एस एस टी का कर सकते हैं आई बी का कर सकते हैं वो मेरा कंसर्न नहीं है मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपका सी डी एस का पेपर बढ़िया जाए आप एग्जाम में अपने सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी प्लस क्वेश्चन इजिली अटम्प्ट कर पाए उस हिसाब से आपको पढ़ा लेवल वाइज हो गया टाइप प्रैक्टिस शीट। शीट। शीट में, में होते हैं ये मिक्स क्वेश्चन होते, होते हैं और ये अलग अलग एग्जाम्स से होते हैं कि भाई जैसे एस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें आई भी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें सिविल सर्विसेज के भी कुछ सी सेट वाले क्वेश्चन होंगे इसमें और आपके सी एपीएफ के भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी प्रैक्टिस शीट में होती रहती है और क्लास रूम में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद कराता हूँ तो इस तरीके से हम लोग बैच में अपने एक चैप्टर को कम्पलीट करते हैं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कि भाई इससे इस बंदे के बेसिक्स भी स्ट्रांग हो इसकी इसको ट्रिक्स वगैरह भी आए ट्रिक्स वगैरह वैसे एग्जाम में उतनी ज्यादा काम करती नहीं है एग्जाम प्रेशर में बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर वो काम कर रही है तो आपको ट्रिक से करने में उसको मात्र पाँच सेकंड लगेंगे वही आप बेसिक से करेंगे तो पचास सेकंड लगेंगे ठीक है तो अल्टीमेटली पैतालीस से पचास सेकंड का डिफरेंस आता है ठीक उसको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आता हो और उसकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो तो इन चारों चीज़ों पर हम लोग साथ में काम करते जाते हैं तो इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कम्प्लीट कर ठीक है सिलेबस कम्प्लीट करने के बाद भाई हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो आती है भाई प्रैक्टिस कि भाई सिलेबस तो कम्प्लीट कर लिया बट भाई प्रैक्टिस को किस तरीके से मैनेज करें ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे क्या करते हैं बच्चे सोचते हैं कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैथ्स हो गई ऐसा नहीं है इस सिलेबस कंप्लीट करना अलग चीज है प्रैक्टिस अच्छी होना अलग चीज है एग्जाम में वही बंदा अच्छे अटैम्प्ट करके आता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है भले ही इजी क्वेश्चन है ईजी क्वेश्चन को आपने एक बार कर रखा है और वही एक बंदा जिसने इजी क्वेश्चन के उसी टाइप के क्वेश्चन पाँच छे कर रखे तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपसे आ गया क्योंकि उसने उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम कर रखा है वो एग्जाम में भी कम टाइम में उसको सॉल्व करके आएगा ठीक है तो ये होता है प्रैक्टिस का फर्क प्रैक्टिस करने से क्या होता है गाइस सबसे पहले तो हमें आता है कॉन्फिडेंस कि भाई जब अपन लोग थोड़ो प्रैक्टिस करके जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस हमारा अलग आसमान पे होता है कि भाई इतने क्वेश्चंस मैंने किए हैं कहाँ से पेपर आएगा इस तरीके से हमको पढ़ के चलना है कि यार कैसा भी पेपर आ जाए हम लोग अच्छे अटेम्प्ट कर पाए ठीक है अब भाई प्रैक्टिस करनी कैसे है ठीक है देखो अभी दो तीन चीजें हो गई फिर से यहाँ पर मैं दो ही पॉइंट लेके चलूंगा एक हो गया सेल्फ स्टडी एक हो गया बैच ठीक है दोनों पॉइंट लेके चलते हैं सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस आप कैसे करोगे आप यूट्यूब पे कोई भी रैंडम वीडियो खोलोगे और उसमें जो बंदे सवाल करा रहे हैं वो आप करते जाओगे ठीक है तो ये हो गया प्रैक्टिस वाला काम कि भाई यूट्यूब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्लस आप क्या करोगे कोई बुक से प्रैक्टिस करोगे जैसे आपने आर एस अग्रवाल ले ली ठीक है आर एस अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप कोई पी वाई क्यू वाली बुक भी ले ले। पी वाई क्यू वाली बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है ये हो गया आपका प्रैक्टिस की आप सेल्फ स्टडी में किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे प्लस बैच की बताता हूँ कि बैच में हम लोग क्या करते हैं बैच मैंने आपको बताया हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं एक क्लासरूम शीट प्रोवाइड करवाते हैं हर चैप्टर की क्लासरूम शीट प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर की फिर हम लोग एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर की ठीक है प्रैक्टिस शीट हमने प्रोवाइड की फिर उसके बाद मैं हर बच्चे से बोलता हूँ कि भाई अकेली इन दोनों चीजों पर डिपेंड मत रहो एक पीवाई वाली बुक भी साथ में लेके चलो और जब आपकी ये दोनों एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए कि भाई आपने क्लासरूम शीट भी कर ली आपने प्रैक्टिस शीट भी कर ली जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे आपने मेरे से पूछ लिए आपने ग्रुप पे पूछ लिए आपके वो क्लियर हो गए उसके बाद आप जाओ पी वाई बुक पे डायरेक्ट कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक पे जाओ जो कि आपकी सी के पेपर से रिलेटेड है उस चैप्टर को खोलो अटेम्प्ट करना चालू करो सिंपल सी चीज़ है अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को जज करना है ये गोल्डन पॉइंट है अगर अपनी प्रिपरेशन को जज करना है कि भाई सामने वाला बंदा सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है डायरेक्ट क्या करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो जैसे आपने मान लो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा आपको ये देखना है कि भाई मेरे को परसेंटेज कितना आता है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक लाओ परसेंटेज के उसमें सवाल खोलो करके देखो अगर आपसे बन रहे हैं मतलब आपने सही पढ़ा है अगर आपसे नहीं बन रहे हैं मतलब आपने गलत पढ़ा है सिंपल सी चीज़ है ठीक है चलो ये हो गया आपका ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक से अटैम्प्ट करना सिर्फ ये तीन चीजें प्रैक्टिस के लिए बहुत है प्लस तो हम लोग क्या करते हैं जब लास्ट में एग्जाम आने वाला होता है तो मिक्स बीवाई की प्रैक्टिस करते हैं बैच में और इसकी मैं आपको चार से पाँच शीट अलग से देता हूँ ठीक है

स्टेज में बटी हुई देखो आप आप आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी मैं हर चीज को पीस से बांट रहा हूँ जैसे स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया ठीक है, है? सबसे पहले सिलेबस प्रैक्टिस मॉक्स अगर आपको कोई भी एक बड़ी चीज करनी है ना ये एक कोट भी है जो मेजर विवेक जैकॉब ने दिया है कि कोई भी बड़ी चीज करनी है ना उसको पीसेस में ब्रेक करो कि भाई पीसेज में जब आप ब्रेक करोगे ना तो चीजें आसान लगने लगेंगी ठीक है तो मैं अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से लेकर चलता हूँ चाहे कोई भी एग्जाम हो चाहे कोई भी चीज हो हमेशा मैं उसको पीसेस में डिवाइड पीसे करता हूँ ठीक है तो ये सेल्फ स्टडी हो गया प्लस बैच वाला पार्ट हो गया जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड बता दिया तीसरा पॉइंट जो आता है भाई वो आता है रिविजन वाला भाई रिविजन कैसे करना है रिविजन देखो रिविजन हम लोग कब करते हैं जब एग्जाम टाइम आता है बट ये गलत अप्रोच है एग्जाम टाइम तक हमें रिविजन नहीं करना है के भाई एग्जाम जब आएगा तो बीस दिन पहले रिविजन करेंगे ऐसी वाली चीज नहीं रिविजन आपको साथ में लेके चलना है जैसे जैसे मान लो आपने सबसे पहले तो क्या होता है कि आपने जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा जैसे मान लो कि सबसे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा परसेंटेज चैप्टर को मैंने पढ़ा परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने के बाद मान लो परसेंटेज चैप्टर मेरा तीन से चार दिन में कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं जंप करके पहुंच गया रेशो वाले अब मैं ये रेशो वाले चैप्टर पे पढ़ा अब ये रेशो वाला चैप्टर भी मान लो कंप्लीट हो गया तीन से चार दिन फिर मैं आगे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस पे अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊंगा तो मेरे ये आगे के दो चैप्टर गायब होने लगेंगे गायब होने से मेरा मतलब क्या है कि ये मेमोरी वैसे इरेज होने लगे तो ये करने के लिए आपको क्या करना है इसका सबसे बेस्ट मेथड है जब भी कोई भी चैप्टर आपको प्रीवियसली रिवाइज करना हो अगर आपके पास सबसे पहले क्या करना है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट से मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज तीन से चार दिन में कंप्लीट हुआ आपने सब कुछ एक कॉपी पे लेकर रखा है आप दोबारा उसको पढ़ रहे हो ये मेरा मतलब नहीं इस शॉर्ट नोट्स में आपके क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो भी आपके उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं प्लस आप क्या कर सकते हो कोई क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट लिख सकते हो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जैसे मैं यही करता था जैसे मान लो एक कोई टाइप है जैसे मैंने इनकम वाला क्वेश्चन ले लिया जैसे परसेंटेज तो इनकम वाले क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है कि भाई इनकम वाले क्वेश्चन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मेट से क्या होता है हमेशा एस्पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि भाई सर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमें समझ में नहीं आता क्या करें तो समझ में तब आएगा जब आपको फॉर्मेट पता हो कि भाई आपको स्टार्ट यहाँ से करना है अगर आप एक बार स्टार्ट करना समझिए क्वेश्चन को तो सॉल्व तो एंड में जाके कर ही लेता है ठीक है क्वेश्चन को स्टार्ट करना मेन चीज होती है तो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आप ये दो चीजें यहाँ पर लिखेंगे ठीक है प्लस आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट रिजल्ट भी आप इसमें लिख सकते हो ठीक है जैसे ज्योमेट्री और एल्जेब्रा वगैरह इन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट डायरेक्ट रिजल्ट भी आप इसमें लिख सकते हो तो इन तीन चीजों के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आप क्या करोगे आप मान लो इस चैप्टर पे हो तो आप इन दोनों के ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये डेली रिवाइज करोगे डेली रिवाइज करने में शॉर्ट नोट्स बेसिकली ज्यादा पेज के थोड़े ही होंगे ये एक से दो पेज के होते हैं एक से दो पेज के आप डेली उठे सुबह आपने एक तरीके से इनको रिवाइज कर लिया आपके दोनों चैप्टर रिवाइज हो गए प्लस अगर आपको और थोड़ी इसमें प्रोफिशंसी चाहिए आप क्या कर सकते हो डेली चार से पांच क्वेश्चन जो है वो रैंडम उठाया करो रैंडम मान लो आपने कोई भी सीडियस का पेपर उठाया परसेंटेज के क्वेश्चन देखे चार से पांच क्वेश्चन रैंडम उठाओ सोल्व करो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई आपको रिविजन की जरूरत है या नहीं

ये डायरी आपकी हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए जैसे मैं क्या करता था मैंने एक बहुत ही छोटी डायरी बनाई थी जिसमें मैं अपने मैथ इंग्लिश जीएस हर कुछ लिख के जाता था ठीक है जीएस जीएस की भी मैं आपको बताऊं मैं जीएस की भी डायरी बनाता था कैसे उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख देता था, था जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गई ठीक है और मानसून वगैरह के डिफरेंट रीजनस में नाम हो गए ये सारी चीजें मैं उसमें लिख लेता था जो मेरे को लगता था कि भाई मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसमें आपको किसी टीचर की नहीं सुननी है इस डायरी में क्या लिखता है जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि भाई ये चीज़ें मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे में आएंगी क्योंकि गट फीलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ठीक है अगर आपको लग रहा है भाई कि ये चीज इम्पोर्टेंट है मतलब वो इंपॉर्टेंट है भले ही कोई कुछ भी बोल रहा है बोल ले दो ठीक है तो ये डायरी आपको मेंटेन करनी और जब आप एक बार सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे सही कंटेंट पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आएगा कि भाई ये तो हर कुछ ही इंपॉर्टेंट है ठीक है उसमें से जो गट फीलिंग आ रही है वो सच में इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एक डायरी मेंटेन करो ठीक है इस डायरी को लास्ट टाइम पे रिवाइज करो और आप लोग क्या कर सकते हो जैसे मैं बैच की बताऊं तो आप लोग क्लासरूम शीट में हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं क्लासरूम शीट की विद एनोटेशन वाली पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं ठीक है तो ये जो विद एनोटेशन वाली पीडीएफ है आप लोग क्या करो जस्ट इसके एक थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाओ इससे ठीक है भाई एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ मतलब आप जस्ट फोन लिया स्क्रॉल करते गए स्क्रॉल करते गए हर आपने पेपर मतलब हर क्वेश्चन को एक बार चेक कर लिया कि भाई ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ अगर आपने अच्छे से स्टडी की है अच्छे से प्रैक्टिस की है तो इसको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका पूरा जो चैप्टर है या पूरा सिलेबस है वो अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज हो जाएगा ठीक है तो ये हो गई भाई अपने रिविजन वाली बात एक अपना लास्ट पॉइंट बताया प्रिपरेशन में वो है मॉक्स क्या है भाई मॉक्स अब मॉक्स आपको लगाने हैं अपने हिसाब से कोई अच्छा इसमें ही मैं आपको ये बताऊंगा सबसे बेस्ट क्या रहेगा आप अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉक लगाओ प्रीवियस पेपर से मेरा मतलब क्या है आपने मान लो कोई रैंडम पेपर डाउनलोड किया जैसे मैं एग्जाम्पल करूं मैं क्या करता था मॉक्स में ऑनलाइन मॉक्स तो अलग चीज है बट मैं मॉक्स में क्या करता था जैसे मैंने मान लो का पेपर 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 उठाया उठाया जस्ट रैंडम कोई भी उठाओ ये पेपर उठा मैंने मैंने क्या किया यूपीएससी की साइट्स पे यह पे पेपर पे 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 इजीली अवेलेबल है इसका आपने एक प्रिंट आउट निकलवाया क्या करवाया एक प्रिंट आउट निकलवाया मैं क्या करता था जैसे मान लो मैथ्स का पेपर जो है हमारा वो तीन से लेकर पांच पीएम के बीच में होता था मैं क्या करता था मैं थ्री पी से पाँच पी तक इस पेपर को अटैम्प्ट करता था और मैं ओ एम शीट भी आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगी आप लोग अगर आप लोग टेलीग्राम पेज भी देखेंगे हमारा डिफेंस का तो उसमें भी ये सारी चीजें डली हुई हैं तो अगर आप ओ एम शीट देखेंगे तो थ्री पी से लेकर फाइव पी के बीच में उस ओ एम शीट का भी प्रिंट आउट निकलवा एंड देन इस पेपर को आप अटैम्प्ट करो ठीक है बकायदा घड़ी में टाइमर लगा के दो घंटे का इस पेपर को अटैम्प्ट करो तो ये जो मौका है ये आपका एकदम रियल सिनेरियो वाला मौका है इससे आपको फीलिंग आएगी कि भाई आप रियल एग्जाम दे रहे हो ठीक है तो मैं कुछ इस तरीके से मॉक्स को अटैम्प्ट करता था ये मॉक क्या करेगा आपको सारी आपकी जो गलतियां हैं वो यही कर लोगे आप जैसे मान लो गलतियां क्या होती है कि हमने पांच क्वेश्चन कर लिए हमने ओ एम शीट में फिल नहीं किया ये गलती हो गई टाइम नहीं देख पाए क्वेश्चन में वैल्यू गलत डिनोट कर ली ये सारी चीजें आपकी गलतियां आपको पहले ही पता चलती जाएंगी रियल एग्जाम से पहले अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो क्या करोगे जो गलतियां आप मॉक में करने वाले हो वो जाके आप रियल एग्जाम में करोगे ठीक है तो ये चीजें आप लोग यहां पर मॉक्स के थ्रू ये आपकी कवर होती जाएगी ठीक है तो मॉक्स का ये वाला पार्ट हो गया तो मैंने आपको चारों चीज़ें यहाँ पर बता दी कि भाई प्रिपरेशन को किस तरीके से अपन लोग करते हैं सबसे पहले हो गई आपकी स्ट्रैटेजी में सिलेबस कंप्लीट वाला पॉइंट फिर मैंने आपको प्रैक्टिस वाला पॉइंट रिविजन वाला मॉक रिविजन वाला पॉइंट और मॉक्स वाला पॉइंट अच्छा मॉक्स के साथ देखो मैंने एक रिविजन भी लिखा है इस रिविजन से मतलब क्या है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी जब मॉक्स में अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो वो आपके अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर जो जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है वो पूरा रिवाइज भी करवाएंगे जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो अल्टीमेटली आप करोगे तो वही ना जो आपको पहले से आता है तो वो चीजें ऑटोमेटिक रिवाइज होती जाएंगी मॉक्स के इस वजह से मॉक्स लगाना भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे क्या करते हैं बच्चे समझते हैं कि भाई रिविजन कर लो बस काम हो जाएगा जब तक यार आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक्स नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है ठीक है तो ये चारों चीज़ों में बेसिकली हमने अपनी स्ट्रेटी को डिवाइड किया अब मैं एक बार आपको टाइम के थ्रू भी बता देता हूँ एक से जैसे अगर आप लोग बात करें जैसे अगर आप लोग यहाँ पर बात करें टाइम पीरियड जैसे आपका ये सितंबर चल रहा है तो आपके पास अक्टूबर 2024 से मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मैं इतना टाइम पीरियड आपका लेके चल रहा हूँ ठीक है ये आपके पास लगभग अप्रोक्सीमेट सिक्स मंथ्स है अब इस सिक्स मंथ्स को भैया आप डिवाइड करो इन चारों चीजों के ऊपर जैसे सबसे पहले आप इस फेस को डिवाइड करो दो फेस में आप लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं फिर मैथ्स के लिए बताओ तो बेसिकली तीन फेज में इनको डिवाइड करो ठीक सबसे पहले हो गया आपका सबसे तो पहले फिर हो गया आपका, आपका फेज थ्री ठीक है भाई इन तीनों फेज में अपने इसको डिवाइड करो सबसे पहले फेज वन आप रखो अप्रोसीमेट थ्री मंथ्स का थ्री मंथि डेज नाइनटी डेज मोर देन एंड ऑफ होते हैं भाई सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ठीक है इसमें क्या करोगे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे अच्छे से सिलेबस आपने कंप्लीट किया अगला आता है दोबारा इसको क्या करना है रिवाइज करना है एक तरीके से अगर आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं जैसे बैच के तो आप क्या कर सकते हो उसको 1.25x में या 2x में उन वीडियोस को तो देख सकते हो या फिर इनको रिवाइज करोगे एक फास्ट पेस में ठीक है जरूरी नहीं है आप वीडियोस के थ्रू ही करो आप लोग क्लासरूम शीट इन सब के थ्रू भी कर सकते हो बट एक बार इनको आपको रिवाइज करना है यहाँ पर इस वेस्ट टू में इसको भी आप बांट सकते हो जैसे मान लो आपने नाइनटी डेज में अपना सिलेबस किया आपने मान लो टू मंथ में यहाँ पर इनको रिवाइज कर लिया फिर जो अगला वाला आपका टाइम बचा है इसमें आपको सिर्फ क्या करना है प्रैक्टिस फिर क्या करना है मॉक्स अगला जो एक मंथ बच रहा है आपका इसमें आपको करना है प्रैक्टिस प्लस मॉक्स प्लस रिविजन ये सारी चीजें आपको इस मंथ में मैनेज करके चलनी है कि भाई प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से होती रहे मॉक्स भी होते रहे रिविजन भी होते रहे ठीक है फिर जो अप्रैल के महीने में दिन बचेंगे वो आपके तो पास एक्स्ट्रा है आप उसमें जो चाहे वो कर सकते हो अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अपने चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर मैथ्स की जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है मैंने सी पांच बार निकाला है आई के पेपर निकाले हैं एस एस के पेपर निकाले हैं बहुत सारे और एग्जाम्स निकाले हैं यही एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं हर किसी एग्जाम में फॉलो करता हूँ और अगर मैंने सारे एग्जाम निकालें तो ये हर किसी एग्जाम में काम भी आती है सिंपल सी चीज़ है ठीक है अगर आप अगर आप लोग मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हो तो हमारा जो बैच है सी को वो एनरोलमेंट उसके शुरू हो गए हैं वसंतर सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग चीज़ों को हैं. Limited पढ़ते हैं लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ते हैं वो चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में काम आती है ठीक है जैसा कि आप लोग रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप लोग चाहो तो इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आप इंस्टाग्राम वगैरह पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई फीस वगैरह क्या है ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो इतनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा कि अगर आप इस बैच में आते हो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं मिलेगी वो होगी फालतू आपका टाइम वेस्ट ठीक है वही चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगी उतना ही आपका टाइम लेंगे जितना नीडेड है ठीक है सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलेंगी और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी पॉइंट को आप किसी भी पॉइंट पर आपको ये फील नहीं आएगा कि यार मैथ्स हार्ड है यह मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ बट किसी भी पॉइंट पर आपको ये फील नहीं आएगा कि यार ये जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ये हार्ड है और या मेरे से पेपर में नहीं बनेगी मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार अपनी प्रिपरेशन को जज करना है सिर्फ एक चीज़ पर जज करो कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन कर पा रहे हो मतलब आप सही पढ़ रहे हो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत पढ़ रहे हो ठीक है सिंपल से फंडे पे अपनी प्रिपरेशन को रखो और सी डी एस क्रैक करना का इतना भी इतना भी हार्ड नहीं है जितना यहाँ पर बताया जाता है लोगों के द्वारा ठीक है बट क्या है सिर्फ आपको दो चीज़ों की जरूरत है एक है कंसिस्टेंसी और एक है डिसिप्लिन अगर आपने ये दो चीजें सिर्फ छह महीने फॉलो कर ली तो कोई भी एग्जाम इतना बड़ी नहीं है जिसको आप क्लियर ना कर सकते ठीक है तो ओके गाइस आई होप आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और भी अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई और भी डाउट वगैरह हो आपको तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पर उस डाउट को पोस्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं ठीक है ओके गाइस बाय बाय